मेरे को याद है, मैं जब भी कॉलेज में थी तभी मेरे को एक सीनियर ने अप्रोच किया था कि मेरा एक स्केच निकालेंगे क्या, क्योंकि फ्रेंड को कुछ तो गिफ्ट देना था, तुम दोनों का स्केच और तभी आई थिंक दैट वाज लाइक द फर्स्ट और सेकंड पर्सन हु अप्रोच्ड मी. तो लाइक तभी कितना प्राइस करूं, लाइक आई थिंक आई वाज इन सेकंड ईयर, तो आई चार्ज 300 रुपीज. तो कम से जितना कम आप चार्ज कर सको उतना चार्ज करो पहले, एंड देन धीरे धीरे आप जैसे ग्रो हो रहे हो आपका स्किल्स भी जितना ग्रो हो रहा है. I think 2 years ago, 2-3 years ago, I charged like 300 rupees for like one sketch. And now I'm charging like 50,000. Welcome to another episode of Behind the Creator presented by Creative Mindset. So, our today's podcast guest is a mixed media artist from Mumbai, Vaishnavi. So, we have done a lot of interesting things with her, which I'm sure you will definitely like. So, इससे पहले हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, आप भी जहाँ पे भी सुन रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो डू फॉलो अस. सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन टू पॉडकास्ट. सो सबसे पहले तो जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका जो यूनिक एलिमेंट है आपके मिक्स्ड मीडिया आर्ट में वो कहाँ से आता है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है यूनिक एलिमेंट की? तो मिक्स मीडिया आर्ट बेसिकली मैंने इन्वेंट नहीं किया है. मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट को फॉलो करती थी, तो वो लोग को मैंने देखा कि वो लोग भी ऐसे कर रहे, तो इवन आई वांटेड टू ट्राई इट आउट एंड फिर मेरे को वो बहुत अच्छा लगा. तो आई थॉट कि मैं भी वही सब चीजें एक्सपेरिमेंट करूँ मेरे खुद के इसमें, और फिर मेरे को वो अच्छा लगा तो आई स्टक विद इट. तो जो हमारे ऑडियंस है उनके कॉन्टेक्स्ट के लिए आप थोड़ा सा बता सकते हैं मिक्स मीडिया आर्ट क्या होता है? सो मिक्स मीडिया इज बेसिकली कि आप एक ही मीडियम को यूज नहीं कर रहे हो. लाइक मेरे पेंटिंग में मैं हमेशा स्प्रे पेंट यूज करती हूँ. एक ही पेंटिंग में मेरा स्प्रे पेंट, एक्रेलिक पेंट, मार्कर्स, ऑयल पेंट, ये सब चीजें आ जाती है. तो आई डोंट स्टिक विद लाइक एक पर्टिकुलर ऑयल पेंटिंग, तो स्टार्ट टू एंड ऑयल पेंटिंग नहीं रहेगा, वो थोड़ा मिक्स मीडिया वगैरह. सो बेसिकली ऐसा कोई भी पेंटिंग जिसमें एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट यूज हो वो मिक्स मीडिया में आता है. तो आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, कब आपको मतलब इंटरेस्ट बैक डेज में डेवलप्स होना स्टार्ट हुआ कि मुझे आर्ट सीखना स्टार्ट करना है, आर्ट फील्ड में करना तो दूर क्या था, मतलब आर्ट सीखना ये इंटरेस्ट कब आया? तो बेसिकली मेरे मॉम डैड दोनों क्रिएटिव है, लाइक मेरे डैड भी आर्टिस्ट है और मतलब नॉट प्रोफेशनली बट ही इज लाइक गुड एट, अच्छे करते हैं. इवन लाइक माय मॉम भी बहुत क्रिएटिव है, वो भी क्राफ्ट और वो फ्लावर्स बनाना वगैरह उसमें बहुत. तो बचपन से ही एनकरेजमेंट तो थी कि आर्ट में अच्छा करने का, मटेरियल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते थे कि क्रेयॉन्स वगैरह. तो कंसिस्टेंटली मैं बचपन से ही करती जा रही हूँ, कॉम्पिटिशन भी जीतती थी वगैरह. बट देन लाइक इतना रेगुलरली नहीं होता था एज लाइक कॉलेज में गए, स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में वगैरह, तो इतना रेगुलरली नहीं होता था, वो कहीं तो छूट गया. तो मे बी मंथ में 2-3 मंथ में एक पेंटिंग वगैरह ऐसे होता था, इतना कंसिस्टेंट नहीं था. उसके बाद लॉकडाउन में आई हैड लाइक बहुत फ्री टाइम, तो तभी आई वाज लाइक कि अभी फ्री टाइम है तो, और लॉकडाउन के स्टार्ट में तो सबसे जैसे मैं तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज देखती थी, वो 1-2 महीना चला और उसके बाद आई वाज लाइक कि अभी क्या करना है, कुछ तो प्रोडक्टिव करना है, तो मैं पेंटिंग के जरा, तो मैं रेगुलरली आई थिंक फ्रॉम मई से मैं रेगुलरली करना चालू. तो बेसिकली आप प्रैक्टिस पहले बहुत पहले से ही करती रहती थी कुछ ना कुछ, लेकिन रेगुलर नहीं था क्योंकि बाकी सारी चीजें रहती हैं, स्कूल कॉलेजेस की चीजें, तो उस वजह से नहीं हो पाता. लाइक वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम स्कूल में वगैरह वो सब तो चालू ही था, तो उसके वजह से आई थिंक थोड़ा बेस तो था ही, ऐसे देखा कि ऐसे चालू नहीं था, बचपन से थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा. और एनकरेजमेंट भी आया था आपका मतलब फैमिली की तरफ से, मदर फादर, तो उससे बहुत सपोर्ट मिला होगा. बट एनकरेजमेंट ऐसे सपोर्ट तो करते थे, बट दे वोंट सपोर्ट कैसे प्रोफेशनली यही करते हैं, करियर वाइज हॉबी वाइज दे लाइक क्या अच्छा है कर रहे हैं, तो अच्छी बात है. मोस्टली सब लोग इंडिया में ज्यादातर फैमिली का ये रहता है, अगर उनको खुद भी इंटरेस्ट रहता है ना आर्ट में तो तब भी उनका एक रहता है कि रिस्क फैक्टर है, तब भी वो बोलते हैं किस तरह से. तो आपको क्या लगता है क्या इसका रीजन क्या रहता है इंडियन फैमिलीज में इस तरह से करने का? आई थिंक कि अपने पेरेंट्स लाइक जो जमाने में थे तभी सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, तो उन्होंने जितना देखा उतना ही उनका लाइक वर्ल्ड था. तो बेसिकली दे सॉ कि कोई आर्टिस्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर पहले से ये प्री नोशन था कि आर्टिस्ट होगा तो मतलब भूखा मर जाएगा,
ऐसे नहीं आएंगे, स्ट्रगल वगैरह वही एक मेंटालिटी रहता है कि आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट कम्युनिटी भी पहले बहुत ऐसे क्लोज थी कि सिर्फ दो तीन लोग ही थे जो फेमस आर्टिस्ट थे और पहले के ज्यादा बाहर। जमाने में आर्टिस्ट का सोचते भी थे हम लोग, तो आता है एक आदमी खड़ा है वो ऐसे झोला टाइप का लेके है। हाँ तो बेसिकली मॉम को भी मतलब उनका इमेजिनेशन ये था कि अगर मैं आर्टिस्ट को प्रोफेशनली अगर करियर करना चाहूँ तो मैं बेसिकली ऐसे रोड पे ऐसे पेंटिंग मेरा ले लो वगैरह वैसा सीन हो जाता। तो फिर इसीलिए मतलब वो सपोर्ट नहीं करते, वो भी अपने खुद के अच्छे के लिए कि यू नो सिक्योर रहे, आगे जाके कुछ स्ट्रगल नहीं हो, बट देन डजंट वर्क एज। सो आपको लॉकडाउन में इतना टाइम मिला तो आपने कैसे, पहले आपको आपके इंटरेस्ट पहले से मिक्स मीडिया आर्ट में था कि आपने लॉकडाउन में अलग अलग चीजें ट्राई की और फिर इसको डिस्कवर किया, या फिर इसके ऊपर ही आपने रिसर्च किया, कैसे ये मीडियम कैसे फिक्स किया? लॉकडाउन के स्टार्ट में मैंने जब चालू किया तभी मैं वो कलर पेंसिल्स है ना, स्टेडलर पेंसिल्स, उससे मैं पोर्ट्रेट्स करती थी। तो उसके बाद स्लोली आई मूव टू वाटर कलर, पता है मेरे को सिर्फ वाटर कलर में इतना मजा नहीं आया, तो मैं वाटर कलर करती थी उसके ऊपर स्टेडलर यूज करती वैसे। देन आई स्टार्टेड मूविंग टू एक्रेलिक, और फिर एक्रेलिक में भी मैं थोड़ा स्केच पेन वगैरह यूज करती थी। फिर ऑयल पेंटिंग, पूरा एक ऑयल पेंटिंग मैंने सीखा कि ऑयल पेंटिंग कैसे करती। फिर वीडियोस वगैरह देख देख के आई वाज लाइक कि कैन आई मिक्स एक्रेलिक एंड ऑयल पेंटिंग, तो वो सब रिसर्च कर करके ट्रायल एंड एरर वगैरह वो हो गए, फिर वो आगे ऐसे बढ़े। मिक्स मीडिया आर्ट में कन्वर्ट हो गया। या हाँ, तो मैंने आपके पेंटिंग्स में एक यूनिक चीज लगी कि आप अपने पेंटिंग्स का नाम बहुत यूनिक रखती हैं। जैसे एक एक नाम मैंने देखा था, रिवाइवल था, मतलब तो या यूनिक नाम कहाँ से, और इंटरेस्टिंग, मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है, ये कहाँ से सोचती हैं आप? सो बेसिकली पेंटिंग चालू करते टाइम मेरे दिमाग में ऐसे कुछ नहीं होता कि मेरे को रिवाइवल पेंटिंग करना, पेंटिंग करते बस जो हो रहा है वो प्रोसेस में एंजॉय करते। एंड आफ्टर द पेंटिंग इज कंप्लीटेड फिर मैं सोचती हूँ कि ये पेंटिंग से मेरे को क्या इमोशंस मिलता है वैसे। फिर आई ट्राई टू लाइक यू नो कि सर्च की क्या हो सकता है, या फिर मैं आजू बाजू लोगों को पूछती हूँ कि व्हाट डू यू फील, इसको देख के क्या लगता है, तो वैसे ही आगे जाती। तो जैसे बहुत सारे पेंटर्स रहते हैं, अपनी पेंटिंग डिस्प्ले करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसका इंटरप्रिटेशन मैं ऑडियंस को करने दूंगा कि वो क्या देखते हैं। तो आपको कौन सा, आपको अपने हिसाब से कौन सा परफेक्ट लगता है, कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर कि क्या ज्यादा सही है? पॉइंट मतलब एक्सप्लेन करने को भी डिपेंड्स, क्योंकि आई फील जब भी आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है तभी उसके अंदर जो इमोशंस रहता है वो दिखता है। बट आर्टिस्ट सब्जेक्ट अगर मैं कुछ इमोशंस लेके पेंट करूंगी, नॉट नेसेसरी ऑडियंस को भी भाई दिखाई दे, ऑडियंस इट इज इम्पोर्टेंट कि ऑडियंस को पेंटिंग से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जब कोई आर्ट वर्क बाय करना चाहते हैं आई फील दैट दे शुड बाय पेंटिंग अगर वो खुद कनेक्ट हो। ऐसे नहीं कोई बोलना चाहिए कि आर्टिस्ट ने पेंट करते वक्त बोला कि मैं बहुत खुश होकर पेंट किया इसलिए मैं वो पेंटिंग कर, अगर आपको ही वो देखने को ही मजा नहीं आ रहा है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट ना। तो बेसिकली एक्सप्लेन करने का भी ठीक है, एज एन आर्टिस्ट यू कैन एक्सप्लेन कि यू नो व्हाइल पेंटिंग दिस मेरे दिमाग में ये था कि पेंटिंग का नाम इसलिए मैंने ये रखा, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि इट इज इम्पोर्टेंट कि वो ऑडियंस क्या देख के कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप कोई कुछ पोर्ट्रेट करना चाहो बट वो कंप्लीटली डिफरेंट वे में पोर्ट्रेट। तो जैसे जैसे इंडिया में जैसे जैसे जो भी फील्ड बढ़ती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए स्टैंड अप ले लीजिए या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री, तो धीरे धीरे उसमें बहुत, जब अभी तो आर्ट फील्ड में उतना अट्रैक्शन नहीं आया, बहुत ज्यादा लेवल पे स्केल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्केल अप होता जाता है तो एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिली है, जैसे जिसमें प्लैगरिज्म या फिर थेफ्ट बहुत ज्यादा होता है, आइडियाज की चोरी, जैसे किसी और का जोक किसी और ने उठा के बोल दिया, या फिर किसी और के बीट्स लेके किसी और ने म्यूजिक डाल दिए, तो धीरे धीरे आर्ट में भी ये सब हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या, जैसे इंडिया में प्लेगरिज्म तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं कुछ लोग, कि तो क्या रेफरेंस इमेज यूज करना सही है, और अगर यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, और उसका क्या प्रोसेस है, इसके क्या आप बोलना चाहेंगे? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने भी मतलब मैं भी वही करती थी, कोई अगर फेमस आर्टिस्ट होगा तो मैं उसका ट्राई करने को मैं वही करती थी एज अ प्रैक्टिस। बट आई फील इट एथिकल नहीं होगा अगर मैं सेम टू सेम कॉपी कॉपी करके बोल रही हूँ ये मेरा आइडिया है और मैं सेल कर रही हूँ,
एज एन आर्टिस्ट बिगिनर मैंने तो बहुत लोगों का मतलब कॉपी करके प्रैक्टिस के लिए तो वही किया, बट और मेरा भी बहुत लोग करते भी है, मेरे को टैग भी करते हैं कि आपसे इंस्पायर होकर मैंने ये किया है, एंड मैं ऑलवेज सपोर्ट भी करती हूँ कि अच्छा किया आप ये, बिकॉज मैं भी वही चालू किया था तो मैं किसी को बोल नहीं सकती कि मेरा कोई कॉपी ना करे. बट अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो कंपोजिशन और बोल रहे हो कि ये मेरी आइडिया है, तो दैट इज एथिकली रॉन्ग बेसिकली. तो वो तो होगा ही, आई फील सोशल मीडिया पे अगर आप फोटोज वगैरह डाल रहे हो तो एक्सपेक्टेड ही है कि होगा ही कॉपी वगैरह. बट आई फील कि अगर आप हमेशा कॉपी करते रहोगे तो आपको ओरिजिनल कभी आएगा ही, यू विल ऑलवेज बी सीन एज अ डुप्लीकेट बेसिकली. तो वो तो एक रहेगा ही, क्योंकि जितना आप ज्यादा ओरिजिनल करते रहते हो ना उतना ज्यादा, एटलीस्ट ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं पहले कॉपी करती थी तभी मेरे दिमाग में इतना कंपोजिशन या आइडियाज भी नहीं आते, बट जितना मैं खुद का आर्ट वर्क करना चाहूँ उतना मेरे को आइडियाज भी करते करते याद आते थे कि यू नो मैं नेक्स्ट पेंटिंग में ऐसा कुछ कर सकती हूँ, नेक्स्ट पेंटिंग में ऐसा कुछ कर सकती हूँ वैसे. तो आफ्टर अ पॉइंट आई फील कि ऑब्वियसली जब आपका स्किल्स वगैरह आप बढ़ा रहे हो तभी आप अगर किसी का कॉपी कर रहे हो टिल अ पॉइंट फाइन, बट अगर आपको करियर में आगे जाना है तो देयर इज नो इशू कि यू नो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप आगे लाइक अनलेस एंड अंटिल वो पर्सन कोई करेगा नहीं, आपका करियर भी उधर ही स्टक हो जाएगा. तो मतलब बेसिकली वही है कि अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो के या उसके कुछ कर भी रहे हो तो सही है, लेकिन जब भी आप उसको सोशल मीडिया या फिर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पुट कर रहे हो तो उसको इंस्पायर्ड बाय या कुछ क्रेडिट उस ओरिजिनल कंपोजिशन जिसका है उसको दे देना चाहिए कि उसको भी क्रेडिट मिले. एग्जैक्टली, क्योंकि क्रेडिट वगैरह तो एटलीस्ट मेरे को जब भी अभी तक जिन्होंने भी बोला कि मैंने आपका आर्ट किया वो सब लाइक मे बी स्कूल में या फिर यू नो जस्ट 11th 12th में तो कभी अपना स्किल्स वगैरह बढ़ाए, तो मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि आपको अगर मेरा आर्ट वर्क इतना अच्छा लगा कि आप मेरा रेफरेंस यूज कर रहे हो तो आई फील ग्रेटफुल. बट आई थिंक आई एम ग्लैड कि वो लोग सब मेरे को टैग भी करते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग. मेरे को अभी तक ऐसे नहीं हुआ कि मेरा एग्जैक्ट कॉपी किसी ने बोला है वो बोल रहा है कि मैंने खुद सेंड किया, थैंक गॉड अभी तक. मतलब एक बेसिक लेवल पे आपका स्किल और डेवलप करने के लिए, मतलब जैसे आपको शेडिंग सीख रहा है या कोई पेंटिंग सीख रहा है, मीडियम सीख रहा है, तो स्किल डेवलप करने तक के लिए वो सही है, लेकिन जब आपको स्केल अप करना रहेगा तो तब आपको अपना ओरिजिनल क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आपको ओरिजिनल वर्क करना है. स्किल डेवलप करने तक के लिए वो सही है, लेकिन उसके बाद इमेजिनेशन के लिए आपको खुद का वो करना पड़ेगा. तो ये तो हर एक फील्ड में होता है, जैसे जैसे उसका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है तो वो तो है. तो जैसे हम एक एक जैसे मैंने बताया था कि हमने क्वेश्चंस डाला था, तो उसमें एक एक है उन्होंने पूछा था कि आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, मतलब अदर देन कमीशन वर्क. कमीशन वर्क में तो कोई पोर्ट्रेट बनाने के लिए दिया, जब आप कोई भी जैसे आपकी एक पेंटिंग थी रिवाइवल, तो जैसे आपने वो बनाने का सोचा तो आपके क्या सोचा, मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था, प्रोसेस क्या था उसका. सो बेसिकली देयर आर लाइक मतलब दो तीन ये है, कुछ पोर्ट्रेट्स अगर देखेंगे तो उसका मैंने सिर्फ चेहरा बनाया था, ज्यादा कुछ ये नहीं किया था, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया, जिसमें मैं एनिमल से बहुत वगैरह ऐड करने को ट्राई किया. तो उसमें तो मैंने तो मैं मोस्टली पिंटरेस्ट बहुत यूज करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि पिंटरेस्ट डाउनलोड करो, पर उसमें मैं फोटोग्राफी को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मेरे को अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत मिलते रहते. तो उसका मैं अगर मेरे को कोई फोटो मैंने देखा मेरे को अच्छा लगा तो मैं सेव कर देती हूँ और फिर मैं वही पेंट करूंगी, फिर मैं उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाने का सोचती रहती हूँ. तो दैट इज लाइक आई थिंक द मेन प्रोसेस कि जब भी मैं अगर पेंटिंग नहीं करती रहूंगी और अगर फोन पे भी रहूंगी तो मैं पिंटरेस्ट पे रहती हूँ कि यू नो इंस्पिरेशन ढूंढती रहती हूँ, बिकॉज ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको ऐसे ही इंस्पिरेशन आ जाएगा, आपको इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा लाइक कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू लाइक इफ यू आर लाइक तो अच्छी चीजें अगर आप देख रहे हो तो आपको वही आ जाएंगे. इवन लाइक इंस्टा का भी एल्गोरिथम है, देखो जो चीज देखते हैं वही आता है, सजेस्टेड पोस्ट भी वही आता रहता है, तो बहुत सारी फोटोज मिलता है तो फिर ऑप्शंस भी मिलता रहता है और फिर इसमें हो जाता है. हाँ, ये जिस चीज से आप अपने आपको सराउंड करते हैं वही चीज इंस्टाग्राम पे भी दिखते हैं, और जनरली भी कोट है ना, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. तो हाँ, तो जो आप जिस चीज से सराउंड करते हैं उससे रिलेटेड ही आइडिया आते हैं. आर्ट अगर आप आर्ट से सराउंड कर रहे हैं तो आर्ट के आइडिया आएंगे, एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योरियल आइडिया आएंगे, तो वो तो जनरल रूल है. तो जैसे आपने खुद से सीखा पूरा, तो आपका प्रोफेशनल आर्ट और इस और जो खुद से सीखते हैं उनमें क्या डिफरेंस लगता है, या फिर कोई डिफरेंस नहीं है? आर्ट आई थिंक अगर आप स्किल सीखोगे तो वो खुद पे ही रहता है, अब अगर
ऑफिशियली डिग्री भी लेके अगर आप जा रहे हो बट अपने आप उतना प्रैक्टिस नहीं किया तो देयर इज नो बेसिकली आर्टिस्ट का बेस्ट थिंग इज कि कोई आपको पूछेगा नहीं पेंटिंग खरीदते टाइम कि मेरे को आपका सर्टिफिकेट दिखाओ. जैसे डॉक्टर का है तो यू हैव टू आस्क हिम कि बाबा किधर से ग्रेजुएट हुए हो. सेल्फ टॉट डॉक्टर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो आर्टिस्ट का वैसे नहीं होता कि यू नो कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि अभी तक मैंने भी कितना सेल किया मेरे को कोई नहीं पूछा कि आप किधर से पास आओ. इट इज खुद पे ही रहता है कि आप कैसे ये करते रहे. डिग्री कॉलेज अगर आप डिग्री ले रहे हो फाइन आर्ट्स में वगैरह तो बेस्ट थिंग होता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली पेंटिंग ही करते रहते हो तो आपका स्किल्स इंप्रूव होता ही है. बट आई फील कि अगर डिग्री कॉलेज में क्या आई थिंक इश्यू रहता है कि आपको अगर बोलेंगे कि स्टिल लाइफ ड्रॉ करो बट मेरे को स्टिल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं तो भी मेरे को जबरदस्ती स्टिल लाइफ. तो बेस्ट थिंग इज कि अगर आप कर रहे हो तो यू नो आपका खुद का भी अपन लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वन पार्ट कि आपको एनिमल्स ड्रॉ करना पसंद पॉइंट नहीं है कि आप बाकी सब भी करो. आप सिर्फ एनिमल्स में ही अगर कॉन्स्टेंटली पेंट करोगे तो आप उसमें ही एक्सपर्ट हो जाओगे. आपके लेवल पे कुछ कोई नहीं रहेगा टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आई थिंक दोनों में प्रोज एंड कॉन्स तो है ही कि इफ यू आर डूइंग अ डिग्री तो आपको आपके सराउंडिंग में सब आर्टिस्ट ही रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन भी सब आर्ट का ही रहेगा कि ये किधर से लिया ये आइडिया क्या है ये आर्टिस्ट को देखा था. क्योंकि मेरे को वो इशू हुआ कि मेरे मैं फाइनेंस पढ़ा मेरे को आज तक जैसे कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट पहचान में नहीं थे. बट देन थैंक्स टू इंस्टाग्राम मैं सबको लाइक जब भी मैं स्टार्ट कर रही थी तब भी मैं सब आर्टिस्ट को मैसेज कर रही थी कि मेरे को हेल्प करो मेरे को गाइडेंस दो थोड़ा क्या होता है कैसे. तो जैसे आपने ये बोला तो कि आप इसे मैसेज कर देते तो आपको भी बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे गाइडेंस के लिए. हाँ तो इसमें लाइक रिप्लाई करने को लाइक पहले तो इतना फॉलोअर्स नहीं था अभी बड़ा तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉन्स्टेंटली रिप्लाई करने को. पहले मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई वगैरह क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट जस्ट बहुत लाइक यंग लोग ही रहते हैं कि वो उनका आर्ट वर्क दिखाते हैं कि मैंने कैसा किया दीदी कुछ मिस्टेक है क्या ये वो. तो मैं हेल्प करती हूँ क्योंकि बिकॉज बिगिनिंग में मेरे को भी बहुत लोगों ने हेल्प किया तो आई फील इट इज माई ड्यूटी कि मैं भी जितना हो सके उतना तो हेल्प कर सकती. हाँ मतलब प्रैक्टिकली सबको हेल्प करना पॉसिबल भी नहीं है लेकिन जितने को कर सकते हैं हमें अपनी तरफ से तो करना ही चाहिए. हाँ थोड़ा ऐसे रिप्लाई करने में डिले मिले हो जाता है बट मैं फिर ट्राई करती हूँ कि वो तो जनरल है इतने सारे लोग को प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक इंसान को तुरंत तुरंत करें या फिर कर भी पाए लेकिन कुछ लोग को तो कर सकते हैं जितना पॉसिबल है. तो इसमें आपको नेटवर्किंग का कितना इम्पोर्टेंस लगता है ये क्रिएटिव फील्ड में. नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है बट देन इट इज डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हैं बिकॉज जब मैं चालू थी तभी इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने लेवल पे भी लाइक जितने इंस्टा पे मैंने तो नेटवर्किंग चालू किया तो इट इज अगर मैं तभी मेरे को अगर समझ 500 फॉलोअर्स है और मैं किसी को जिसको 60,000 फॉलोअर्स है उसको मैसेज करके बोलूंगी कि मेरा पोस्ट डालो मैं भी तेरे को फॉलो करती हूँ इट डजंट मेक सेंस और वो जेन्युइन भी नहीं लगता है. कि यू नो अगर आप किसी को कनेक्ट करना चाहो आप ये बोल के कनेक्ट नहीं कर सकते आप मेरे को फॉलो बैक करो फिर इट इज लाइक कि देयर इज नो पॉइंट क्योंकि वो लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं उनको जेन्युइनली ऐसे कोई टिप्स नहीं चाहिए या फिर कुछ सीखना नहीं है बता. तो बेसिकली जेन्युइन रहो और मैसेज दोस्त पीपल की जिनको आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या फिर आपको कुछ इश्यू है वगैरह. तो मेरे हिसाब से भी यही है कि मतलब फॉलोअर तो ठीक है मतलब एक ब्रांड लेवल पे अच्छा है लेकिन आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए जो सामने वाला आर्टिस्ट अगर आपको रिप्लाई कर रहा है तो उससे नॉलेज कितना ज्यादा ले सकते हैं कितना ज्यादा वो सीख सकते हैं उसका एक्सपीरियंस है. अब वो फॉलो कर भी देगा लेकिन आपको अगर कुछ बता नहीं रहा है तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है. उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उससे जितना नॉलेज ले सके वो है नॉलेज ज्यादा वर्थ होगा उसका. और लाइक बेसिकली सब लोग आर्टिस्ट कम्युनिटी में अच्छा है कि मेरे को तो ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम पीपल लोग रिप्लाई बैक करते हैं या फिर सपोर्ट तो चालू ही रहता है. बट आप भी अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं तो थोड़ा बहुत कॉशियस रहती हूँ कि मेरे को जब भी मैं फील्ड में भी देखती हूँ तो मेरे को ऐसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए अच्छे पोस्ट चाहिए तो मैं सिर्फ वही लोगों को फॉलो कर जिनसे मेरे को इंस्पायर हो या फिर मेरे को मोटिवेटेड फील हो. जिससे नेगेटिविटी से ज्यादा दूर रहे तो अच्छा है बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट है वो लोग ऐसे उनका ड्रामा भी रहता है अलग से कि अगर इवन तो वो लोग बड़े आर्टिस्ट है फिर वो दूसरे आर्टिस्ट को शेड थ्रो करेंगे फिर बोलेंगे इससे मेरा कॉम. तो आई डिडंट वांट टू लाइक इवन दो उन लोगों का स्किल्स भी बेटर है आई विल लाइक कि नहीं मेरे को नहीं फॉलो करना
हाँ स्किल्स अलग चीज रहती है, लेकिन कुछ लोग के वो उसमें ही रहता है कि मतलब स्किल्स कितनी भी अच्छी हो तो वो सब नेगेटिविटी उनके मतलब थॉट प्रोसेस में ही रहता है, तो फिर वो दूसरों को भी थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता एग्जैक्टली है। आज एन आर्टिस्ट आपको कोई ऐसे बॉस नहीं बोलने वाला है कि यू नो आज ये काम खत्म करना ही है, तो आपको खुद को डिसिप्लिन आना चाहिए. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अच्छे मूड में रहो, फिर यू नो यू विल बी इंस्पायर्ड टू पेंट. तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, लाइक खुद पे ही डिसिप्लिन रहना चाहिए. हाँ, क्योंकि अगर मतलब नेगेटिविटी आ जाती है तो मैंने देखा बहुत आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि अगर मूड खराब है तो नहीं बना पाते हैं, खुद कम से कम खुद से बनाने तो नहीं बना पाएंगे जब तक प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन प्रेशर में काम भी अच्छा नहीं होता है, तो मूड अच्छे ही रहना चाहिए। हाँ मेरे को तो ऐसे आज सच ये नहीं होता कि मेरे को कभी कभी ऐसे थोड़ा लेजीनेस आ जाता है कि आज नहीं करना पेंटिंग, बट जैसे मैं बैठ जाती हूँ वैसे इट्स लाइक वो उठ के बैठ पेंटिंग करने को बैठने को ही प्रॉब्लम है. उसके बाद जैसे आप बैठ जाते हैं पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ जाता है. हाँ, तो इससे बहुत जैसे इससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज लिंक्ड है कि आपका डेली प्रोसेस क्या है, मतलब वो प्रैक्टिस का क्या प्रोसेस था। अभी तो मान लो अब नहीं करते, लेकिन जब स्टार्टिंग फेज था तो क्या प्रोसेस था, डेली स्केच करना था या कुछ, तो प्रैक्टिस रूटीन क्या रहता है आपका? प्रैक्टिस ऐसे नहीं, लाइक मैं तो लाइक इसका ही बोलूंगी कि कोविड के वजह से ही मैं लाइक फ्री टाइम था तो मेरे को मैं ऐसे करके माइंडसेट नहीं करती थी कि मेरे को प्रैक्टिस करना ही है. मेरे को जनरली लाइक अच्छा लगता था, टाइम स्पेंड भी होता था, मैं गाने सुनते सुनते करती थी तो आई वॉज लाइक एंजॉइंग इट. मेरे को कभी मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्किल्स इंप्रूव हो जाए, मैं बस कर रही थी तभी बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग इट. और फिर वो बिकॉज मैं इतने रेगुलरली कर रही थी, इतने स्केल पे कर रही थी कि एवरीडे करना ही है, एवरीडे स्केच हो ही रहा था, तो फिर मेरा फिर वो धीरे धीरे लाइक स्किल्स बढ़ता गया. तो आपने ऐसा बताया था कि आप एक एक फाइन आर्ट स्कूल में जाएंगे तो एक चीज पे नहीं कर पाएंगे जो आपको मन है, तो एक यूनिक स्टाइल फाइंड करना अपने लिए एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से, और कितना इम्पोर्टेंट है कि हर एक मीडियम वो ट्राई करें? बेसिकली आप ट्राई करते जाओ सब मीडियम. आई वॉन्ट से कि एक साथ ही सब मटेरियल्स लाके ट्राई करो बिकॉज फिर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वेस्ट है. तो आई थिंक धीरे धीरे ये करो क्योंकि मैं भी ऐसे पहले कलर पेंसिल से स्टार्ट किया बट आफ्टर पॉइंट मैं कलर पेंसिल से बोर हो गई, तो आई मूव टू लाइक वाटर कलर में 3-4 पेंटिंग किया. फिर आफ्टर पॉइंट आई वाज लाइक कि ठीक है अभी मेरे को बोर हो रहा है अभी कुछ तो अलग करना. तो वैसे धीरे धीरे अगर आप ट्राई करोगे फिर आपको सबकी कोई कोई चीजें पसंद आएगी. लाइक मेरे को एक्रेलिक पेंट का पसंद आता है क्योंकि वो फटाक से ड्राई हो जाता है, तो मैं सुबह से शाम में मैं एक पेंटिंग कर सकती हूँ. बट फिर ऑयल पेंटिंग में वो कलर्स भी एकदम ऐसे जूसी और एकदम ऐसे ब्राइट वगैरह रहता है, तो आई लाइक दैट ऑफ ऑयल पेंटिंग. तो मैंने सोचा कि कैन आई विल आई बी एबल टू मिक्स इट. तो आई वॉन्ट मतलब मेरे को ऐसे पता नहीं चलता अगर मैं सब ट्राई नहीं करती. तो तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में सब एक्सपेरिमेंट करो, सब ड्रॉ करके देखो कि आपको क्या किससे अट्रैक्ट हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है. और लाइक इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई कोई आर्टिस्ट लोग यू सी इंस्टाग्राम पे कि उनका एक खुद का स्टाइल वगैरह भी रहता है और वो बहुत अमेजिंग है, बट वो देखने को अच्छा लगता है बट आप अगर करने जाओगे तो इट इज नॉट योर ऑथेंटिक सेल्फ. आपका स्टाइल नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज अच्छी लगती है डजंट मीन इट इज योर स्टाइल. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ऑब्वियसली तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यू नो ये स्टाइल अच्छा है, बट अगर मैं करने जाऊंगी तो मेरे को वो प्रोसेस में भी एंजॉय नहीं रहेगा. लाइक मेरे को वो मेरे को पता नहीं वो स्टाइल को क्या बोलते हैं बट वो लोग मेरे को लाइक लाइन से पूरा लाइक स्केच बना देते हैं पूरा पोर्ट्रेट विदाउट लिफ्टिंग द हाँ पेन. हाँ लाइन आर्ट बोलते हैं शायद से उनको, मुझे भी सही से टर्म पता नहीं है, एक ही लाइन में पूरा एग्जैक्ट आर्ट बन जाता है। तो वो मेरे को बहुत पसंद है बट वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता. मैंने ट्राई भी किया पर वो मेरे को प्रपोर्शंस नहीं होता है. तो आई अप्रिशिएट दैट आर्ट बट वो मेरा स्टाइल नहीं. वैसे मेरे को बहुत कलरफुल और वो सब चीजें करने को पसंद तो वैसे तो जैसे मैं थोड़े दिन पहले एक कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप्स देख रहा था, मेरे को पता नाम नहीं पता, मैं डाल दूंगा इधर ऊपर। उसमें क्या था कि एक आर्टिस्ट था, म्यूजिक राइटर राइटर थी, तो वो उस बता रहे थे कि वो उसका टाइटल था द कर्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, ऐसे करके कुछ टाइटल था। तो उसमें पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि एक आर्टिस्ट था, उसको मतलब उसको मतलब डिप्रेशन और सैडनेस में रहता था, और उसी की वजह से उसके थॉट प्रोसेस निकलते थे। तो हाँ उसमें बता रहे थे कि अलग अलग आर्टिस्ट जो होते हैं उसके अलग अलग मूड रहते हैं, जैसे रहता है कि कोई बहुत ज्यादा खुश है तो वो पेंटिंग कर सकता है, कोई
किसी का मतलब कुछ दुखी है तो कोई रात में बिल्कुल पेंटिंग कर रहा है, तो ऐसे कुछ कुछ किसी किसी के रहते, कोई कोई आर्टिस्ट के फिक्स मूड रहते हैं, और जिसका तो वो कहता है कभी कभी लॉन्ग टर्म में अगर वो कंट्रोलेबल से बाहर चला जाता तो हार्म करता है, तो वो उसके ऊपर क्या है आपका भी, उसके किसी के फिक्स्ड मूड पे आप ड्रॉ करते हो या फिर मतलब पार्ट ऑफ लाइफ हो गया तो अब तो ड्रॉ करने में वो दिक्कत नहीं होती कभी भी? मतलब आई फील कि एज एन आर्टिस्ट हम लोग का लाइक करियर इज लाइक वेरी लाइक ऑफिस में जाते हो तो आपके कलीग्स रहते हैं, आर्टिस्ट में कैसे आप अकेले स्टूडियो में रहते हो पूरा, तो इट इज इम्पोर्टेंट थोड़ा सोशल लाइफ भी हो और यू नो यू कनेक्ट समवन एंड टॉक अबाउट योर फीलिंग्स वगैरह, तो दैट इज तो एन इशू कि थोड़ा लाइक बिकॉज मैं बहुत मैंने लोगों को देखा है कि यू नो दिन में पूरा दिन मैं भी कभी कभी रूम में ही पेंटिंग करती रहती हूँ और फिर किसी से बात नहीं करती रहती, बस गाने सुनते रहते, तो थोड़ा लाइक ऑब्वियसली आई सी के लोगों का ऐसे जो मूड है वो कैनवास पे निकल आता है, तो इट डिपेंड कि कुछ लोगों को आर्ट ये होता है कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, बट देन फॉर मी आई फील लाइक अगर मेरे अंदर अगर नेगेटिविटी है तो मैं आर्ट थ्रू नहीं ये करूंगी, बिकॉज आर्ट इज लाइक आई फील परमानेंट है, आफ्टर आई डाई ऑल्सो मेरे पेंटिंग्स तो रहेंगे, तो आई फील आई वॉन्ट टू, तो अगर जो पॉजिटिविटी है वही मैं आई ट्राई टू लाइक पुट इट आउट देयर। तो जैसे एक और क्वेश्चन था हमारे पास, तो एक एक पूछा था ऑडियंस से कि रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन के ऊपर था उसका क्वेश्चन, तो मल्टी फनल मोनेटाइजेशन या फिर अलग अलग तरह से पैसा कमाना एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि एक मैंने थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा कोड पढ़ा था कि जो एक एक फनल पे डिपेंड कर रहा है इनकम के लिए वो बस एक प्रॉब्लम दूर है सब डिस्ट्रॉय होने से उसके सारे इनकम। हाँ, तो इस पे आपका क्या, आप क्या करते हो या फिर क्या और ज्यादा अच्छे से करना चाहिए आर्टिस्ट लोग को? I feel like as a beginner मैं तो मेरा तो अभी ही चालू हुआ तो मैं ज्यादा कुछ इसे बोल नहीं सकती, but because मेरा तो अभी फिलहाल तो इनकम एक ही है थ्रू कमीशन एंड अगर कोई परचेस किया तो, बट आई फील लाइक आप ऐसे एज एन आर्टिस्ट आप आपका लाइक मर्च भी सेल कर सकते हैं, प्रिंट सेल कर सकते हैं, तो वो तो सब चालू ही रहेगा, बट इवन लाइक करंटली मेरा तो बेस्ट इनकम एक ही तरफ से विच इज लाइक इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया मेरा करियर भी गया ऑब्वियसली, बिकॉज मेरा कोई कोई और प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, तो दैट इज लाइक इम्पोर्टेंट कि इवन लाइक एज अ बिगिनर आर्टिस्ट इवन लाइक आई फील कि मेरे को भी यही करना चाहिए कि यू नो अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी थोड़ा ऑडियंस ये करो, एक ही इस पे पूरा 100% मत रखो। On the other hand, जैसे आप earn कर रहे हो वैसे obviously you can start investing वगैरह अलग अलग चीज, but starting में ही आप expect नहीं कर सकते कि आप पहला painting किया और आपका वो sell हो गया and then ये, क्योंकि मैं भी कब अगर मैं मई से चालू किया था और फिर I think November or something October November में I started earning, वो भी like it wasn't enough October November के time पे कि you know मैं monthly income सिर्फ solely यही करूँ, वैसे तो तभी उसमें भी एक एस्पेक्ट ये है ना कि आपने मई से स्टार्ट किया था फुल टाइम, लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत पहले से कर रहे थे, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो पहले से ही कर रहे थे। हाँ, बट मतलब हाँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो था ही, बट इवन दो मैंने मई से चालू किया तो भी मैं लाइक कितना जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीना तो मैंने कुछ अर्न नहीं किया था, तो भी डिस्करेज नहीं होना, यू हैव टू लाइक कीप प्रैक्टिसिंग और फिर सोशल मीडिया पे वगैरह कंटेंट तो रेगुलरली डालना ही पड़ेगा, फिर जाके नवंबर में थोड़ा मेरे को अच्छा रिस्पांस आने लगा, फिर लोग खरीदने लगे, वो भी इतना नहीं था, और अभी जान से वगैरह आई वाज लाइक कि यू नो मैं ये फुल टाइम कर सकती हूँ, इतना तो मेरा इनकम हो ही रहा है कि फुल टाइम करने के जो बेस्ट, तो वो चालू ही रहेगा, क्योंकि मेरे को आर्टिस्ट कितने लोग बोलते रहते हैं कि आपका अर्निंग कितने, क्योंकि मेरे को जानना है सो दैट आई कैन परस्यू आर्ट, अब मेरे पे डिपेंड नहीं रह सकते कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ, बिकॉज मैं अभी जितना अर्न कर रही थी उतने 3 महीने पहले मेरा उतना भी नहीं था, मैं भी ग्रोथ स्टेज में हूँ, मैं से लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो गई हूँ सब अचीव किया, बट दैट इज नॉट ट्रू, मैं भी धीरे 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 ग्रो कर, और डोंट लाइक कोई भी आर्टिस्ट को ये मत करो कि आप कितना अर्न कर रहे हो, अगर आप एक्स अमाउंट अर्न कर रहे हो तो मैं भी ये परस्यू करूंगी, क्योंकि फिर आप पैसों के लिए ये कर रहे हो, पैसों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए पैसे, बिकॉज Obviously, money is security, में कभी important ही है, but then आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि you know कि artist लोग इतना इतना कमाते हैं तो मैं कमाऊंगा, because आपके लिए वो successful ना हो सके, you know, तो वो बहुत important है। अगर दिमाग में एक figure लेके चलोगे
तो फिर अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो तुम गिव अप कर दोगे जल्दी से। हाँ आफ्टर अ पॉइंट, अगर आप 2-3 महीना अगर आपका ऑर्डर्स नहीं आए तो आप डिस्करेज हो जाओगे, तो आपको यू शुड बी पैशनेट इनफ कि अगर फिर भी नहीं आए फिर भी यू शुड बी कीप गोइंग, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑब्वियसली अगर आप इतना कंटेंट डाल रहे हो आपका स्किल्स भी वो लेवल का है तो आपको रिजल्ट्स आएंगे बस। हाँ वही बात है, जैसे पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, तो अगर उसको सब एग्जैक्टली कुछ बना के चलोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि प्लेटफॉर्म का, तो मुझे भी एक किसी ने मैसेज किया था, तो मैंने उसको बताया था कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ आप पोस्ट मत डालो। जैसे मैंने आपका भी देखा है कि आप सिर्फ पोस्ट नहीं डालते हो, आप उसके बिहाइंड द सीन डालते हो, उसके रील्स बना के डालते हो, फिर उसको स्टोरी आप स्टोरी में डाल सकते हो। और अगर आर्टिस्ट, सामने वाला आर्टिस्ट अगर एक अच्छा राइटर भी है, तो अगर आप उसका ब्लॉग फॉर्मेट में कोरा पे कोई क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई लिंक्डइन पे कुछ लिख सकते हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप 360 डिग्री कर सकते हो, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं लगती। जैसे आप कोरा पे जो लिखा है वही आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो, और उसी का 2-3 लाइन का फॉर्मेट होना कि आप चाहो तो ट्विटर पे भी डाल सकते हो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप एक बार उसके साथ आप सेटल हो गए उस प्रोसेस के साथ। तो उससे कह रहा था कि अगर वो प्लेटफॉर्म फ्यूचर में चला भी गया तो आप सिक्योर्ड हो गए, क्योंकि आप 360 डिग्री ब्रांड बन चुके हो, सिर्फ इंस्टाग्राम आर्टिस्ट नहीं हो आप। टिकटॉक का वही हुआ ना कि कितने सारे आर्टिस्ट थे वो लोग सिर्फ टिकटॉक पे बेस्ड थे, और फिर वो बंद हो गया तो उनका भी करियर फिर उनको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। पूरा 0 हो गया उनका, क्योंकि एक पे डिपेंडेंट है। तो वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो जैसे आप कमीशन वर्क लेते हो, तो आप किस तरीके से, आपको कमीशन वर्क कैसे अप्रोच होता है, मतलब क्या प्रोसेस है उसका, कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू लेते हो या फिर मतलब एक इफेक्ट होता है जिसको आपने बेचा वो रिकमेंड करता है कि अपने फ्रेंड्स को और लेने के लिए, क्या उसका क्या प्रोसेस है? रिकमेंडेशन से भी मेरे को ऑर्डर्स मिले और फिर इंस्टाग्राम से भी, बट मैं यूजुअली बोलती हूँ कि लोगों को कि मेरा ईमेल नहीं कांटेक्ट नहीं है इंस्टा पे, अगर आप देखते हैं ईमेल क्या, तो मेरे को ऑब्वियसली ईमेल का रेट इज कम, दिन में मे भी 1-2 ईमेल्स आएंगे तो इट इज लाइक इजियर फॉर मी टू रिप्लाई टू दैम। डीएम्स का मेरे को बहुत लाइक डिले वगैरह होता है तो उसकी वजह से मेरा बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज में मिस हो गया, क्योंकि सिर्फ लोग डीएम में ही मैसेज करते हैं एंड देन जब मैं जब तक रिप्लाई करती रहती हूँ दयाल कह रही नहीं मेरे को बर्थडे को गिफ्ट देना था अभी वो हो गया बस, तो वो मैंने तो मतलब क्लियरली बोला कि अगर आपको कुछ चाहिए वगैरह तो ईमेल करो, बट फिर भी लाइक डीएम्स के थ्रू वगैरह लोग बोलते रहते हैं कि क्या प्रोसेस है अगर मेरे को ऑर्डर देना है ये वो, तो वो हो जाता है लाइक रिकमेंडेशन से। आई थिंक अभी तक इन तो ही आया है बट मोस्टली लोग इंस्टा पे ही पोस्ट देखते रहते हैं, फिर मैं रील्स वगैरह पे भी रिएक्शन वीडियो वगैरह भी अपलोड करती हूँ, आई थिंक वो देख के वो लोग परचेस करते हैं, बिकॉज इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना, मैं अगर बड़ा बड़ा पेंटिंग कर रही हूँ तो ऐसे नहीं कि कम पैसे में हो, उतना रेट भी मेरे को मेंटेन करना। मैंने देखा भी आपका रील्स, आप अलग अलग तरीके से मतलब प्रोसेस में कर सकते डालते रहते हो, और वो आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से अगर आप इंस्टाग्राम के मेट्रिक्स चाहते हो, या तो फिर आप तो पूरा ही बंद कर दो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं इंस्टाग्राम, फिर वो फिर रहेगा कि आपको कमीशन नहीं करता, और कर रहे हो तो फिर आपको फुल फ्लेजेडली उसके पूरे सारे सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, तो वो तो है ही फैक्टर की करना ही पड़ेगा। मैंने देखा हाल में आपने वेबसाइट भी बना ली है अपनी, हाँ, तो उसका क्या एक्सपीरियंस, आपने खुद से बनाई? बेसिकली कि भाई वेबसाइट बनाने के टाइम पहले लाइक मेरे डैड आईटी में, तो मैंने उनसे भी बात किया था कि मेरे को लाइक एटलीस्ट थोड़ा बेसिक वेबसाइट करना, अभी तक ऐसे यू कैन परचेस मेरे वेबसाइट से बस यू कैन सी पोर्टफोलियो वगैरह, तो मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने बोला कि डोमेन वगैरह वो टेक्निकल साइड उन्होंने ही देखा था कि डोमेन परचेस करना और वो सब, बट फिर वो डिजाइनिंग का काम वो मैंने किया था, वो भी मैं यूट्यूब पे देख देख के आई वाज लाइक, मेरे को बहुत लोगों ने अप्रोच भी किया था कि हम आपके लिए वेबसाइट बना देंगे ये वो, बट आई वाज लाइक कि अगर कोई और बनाएगा तो मेरा वाला फ्री में आएगा ऐसे, कि मेरे को जैसे वेबसाइट चाहिए तो इट शुड लुक लाइक मी ऐसे फील आना चाहिए, तो इसलिए आई वाज लाइक कि मैं खुद ही एटलीस्ट फॉर बिगिनर्स मैं मेरे को खुद ही ट्राई करना है वेबसाइट बनाने का, उतना मैं सीख भी जाऊंगी मेरे को भी उतना नॉलेज मिल जाएगा तो वो एक अच्छा होगा। बट आपने पहले भी बोला था ना कि जो भी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो उसका सब फीचर्स यूज करो, बिकॉज आई थिंक जब भी रील्स पहले चालू हुआ था तो बहुत नेगेटिव फीडबैक मिला था कि ये क्या टिकटॉक जिसे कॉपी कर रहे हो, बट अभी रील्स ने ही पूरा गेम चेंज कर दिया क्योंकि उसका ऑडियंस और एक्सपोजर ही इतना ज्यादा है, तो कोई भी अगर नया फीचर आता है तो उसको रिजिस्ट मत करो, अडेप्टिव रहो, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि
आप नेगेटिव फीडबैक देके कोई ये नहीं बोला था कि अरे ये फीचर पर नेगेटिव फीडबैक है मैं चेंज कर, क्योंकि जब भी स्टोरीज आया था तभी भी सब लोग ने बोला था कि ये तो स्नैपचैट का कॉपी किया है। फिर ऑब्वियसली वो फीचर है अभी तक और वो उससे लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है। तो रील्स वगैरह भी आया था तभी भी मैंने बहुत लोगों का सुना था कि क्या है ये रील्स वापस टिकटॉक इधर क्यों आ रहा है, ये बंद करो ये। और ऐसी बात है कि आप नेगेटिव फीडबैक भी दे दो तो ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेंगे कि ठीक है आपने बोल दिया तो आज हटा देते हैं हम ये। वो लोग ने भी सोच के वगैरह ये क्या रहेगा ना, और इसीलिए आई थिंक जो लोग ने स्टार्ट में रील्स का फायदा उठाना चालू किया उन लोगों को बहुत बेनिफिशियल पड़ा। और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी एक मतलब एक कंपनी बिजनेस है, उनको अपना प्रॉफिट देखना है, तो अगर आप उनके हिसाब से जितना जल्दी अडेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रेजिस्ट करोगे तो आपका, अगर आप फीडबैक भी दे रहे हो तो वो एक लेवल के लिए फीडबैक, वो ऐसा नहीं चेंज कर देंगे आपके हिसाब से, तो वही है, तो उसको अडेप्ट कर लोगे तो अच्छा। अभी तो मैंने सुना जैसे कि रील्स बहुत हैवी लेवल पे पुश कर रहे हैं, अगर आप डालोगे तो उसके इम्प्रेशन बहुत ज्यादा है, और अभी मैंने सुना है कि उसको और पुश करने वाले हैं, जैसे आप व्हाट्सएप के स्टेटस में भी आपके इंस्टाग्राम के रील्स दिखेंगे और फेसबुक के पेज पे भी आपके, आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालोगे वो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे दिखेंगे, तो ये बहुत हाई लेवल पे जाना है, तो जिसको भी है तो उसको कर सकते हैं ये, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है अभी इंस्टाग्राम के लिए रील्स। नहीं, रील्स का बेस्ट थिंग है कि आप जितना डालोगे उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एक रील डालने के लिए इतना ये कहते हैं ये डालू नहीं डालू ये, और फिर एक रील पहला रील आता है और फिर उसको इतना ज्यादा व्यूज नहीं मिला तो दे गए डिसअपॉइंटेड। आई एम लाइक कि ऐसी बात नहीं है कि आपको एटलीस्ट 10-15 रील डालते रहेंगे फिर आपको एक जाके कोई तो एक वायरल हो सकता है, तो वो नंबर का गेम है बेसिकली। क्योंकि मैंने भी आई थिंक स्टार्ट में मैं बस ऐसे मजे के लिए मैं रील्स बनाती थी और आई थिंक तभी जाके मैंने एक रील कोई तो फीचर हुआ था, but that was also like after making 25 reels. 25 reels बनाने के बाद एक जाके एक फीचर हुआ था जिसको मेरे को आई थिंक 12 मिलियन व्यूज आए, तो उसके वजह से मेरा पेज फिर बहुत सारे फॉलोअर्स आने लग गए। डिसअपॉइंटिंग कि यू नो मेरे को व्यूज नहीं बनाने तो मेरे को अभी रील्स का कुछ फायदा नहीं है। आपको अगर मजा भी आना चाहिए वो करने को बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक जो पोस्ट है वायरल होने के पहले हजारों पोस्ट रहेंगे जो वायरल नहीं होंगे, और वो जिसने कर लिया, जिसने 100 कर लिया तो 101 में हो सके आपके ये पूरा मैट्रिक्स ही चेंज हो जाए। सो आप भी आर्ट एजुकेशन या आर्ट वर्कशॉप वाले फील्ड में अभी आपने ट्राई किया या फिर आपका मन है सिखाने का या फिर कुछ? बेसिकली मैं खुद से ऐसे कहाँ जाके सीखी नहीं, आई थिंक स्कूल में फिर तभी एलिमेंट्री वगैरह वो सब क्लासेस में थी, और अभी तो मैं सिर्फ मतलब वीडियोस वगैरह देख के मैं सीखी हूँ, लाइक बाकी आर्टिस्ट अगर कर रहे हैं तो वो लोग ने कैसे किया वगैरह वो सब। तो आई फील मैंने एक बार वर्कशॉप लिया था जैन में ऑनलाइन, तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा था क्योंकि बहुत मैंने बेसिकली सोचा था कि मैं 15 लोगों को लूंगी कि फर्स्ट वर्कशॉप है मेरे को ज्यादा लोग को नहीं लेना, और वो अच्छा था रिस्पॉन्स भी मेरे को अच्छा मिला, और देन वापस लोग बोल रहे थे कि आप ले लो, बट मेरे को फिर ऑनलाइन का इतना ये नहीं था कि इतना कनेक्ट नहीं हो सके मैं सबके साथ वगैरह। ऑन द अदर हैंड कि मेरे को बहुत लोग बोले कि आप क्लासेस लो रहे कि बल्कि कि मेरे को सिखाओ मैं वीकली क्लासेस वगैरह, बट देन पॉइंट इज कि मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को अगर ऑर्डर आया तो मैं पूरा दिन भर पेंटिंग करती रहती, तो आई फील कि अगर मैं किसी को चार्ज कर रही हूँ कोई सर्विस के लिए तो इट शुड बी हाई क्वालिटी का, इसलिए मैंने अभी तक तो वापस कोई वर्कशॉप का सोचा नहीं है, बट मेरे को फ्यूचर में करना ही है क्लासेस वगैरह फिर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे पूरा चालू करना। डेली क्लासेस वाले बहुत लोग रेजिस्ट करते हैं, बट आर्टिस्ट है कि फिर आप एक शेड्यूल से आपको स्टिक होना पड़ता है, जो कि मतलब नहीं बहुत लोग के लिए नहीं पॉसिबल होता है। फिलहाल तो नहीं है, मे बी आगे जाके अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी मैं लाइक मेरे रूम में करती रहती हूँ, तो मे बी इफ आई हैव लाइक थोड़ा स्टूडियो तो मे बी एक साइड में क्लासेस एक साइड में मैं खुद भी कर सकती हूँ ऐसा कुछ वर्कआउट होगा तो। तो ऑनलाइन आर्ट में वर्कशॉप कराने में आपको क्या क्या डिफिकल्टी, आपके हिसाब से क्या लगा, क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? आई थिंक पहले बात तो सब लोग कैमरा चालू नहीं करते हैं, फिर बहुत लोग को आई थिंक वो लोग अपना पेंटिंग दिखाते रहते हैं तो मेरे को लाइक इट गेट्स पिक्सेलेटेड वगैरह, तो मेरे को टिप देने को भी बहुत लाइक इशू था कि अब ऐसा करो वैसा करो, लाइक एक्सप्लेन करने को भी ज्यादा ये नहीं हो रहा था, और फिर लाइक टाइम का भी बहुत इशू हो जाता है क्योंकि अगर एक जन कोई पूछ रहा है डाउट बार बार तो बाकी लोग बोलते कि अरे आगे बढ़ो आप
मेरा तो हो गया आगे सिखाओगे, तो वो एक थोड़ा भाई मेरे को तो आई थिंक कनेक्टिंग का ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों का कैमरा ऑफ था और फिर कोई आधे लोग रिस्पॉन्स देते नहीं देते, तो मेरे को नहीं समझता था कि लोगों को समझ रहा है कि नहीं, बिकॉज मेरे को इंटरेक्शन नहीं हो पाता था. एग्जैक्टली मेरे को सिखाते टाइम ऐसे ही नहीं करना कि मैं कुछ कर रही हूँ और फिर लोगों को डिफिकल्ट हो रहा है कीप अप करने, क्योंकि मेरा तो फटाफट हो जाएगा बट देन बाकी लोग को भी आना चाहिए, वो मेरा एक मेन कंसर्न. So, जब आप ऐसे वर्क मोड से बाहर रहते हैं तो आप माइंड फ्रेश करने के लिए करते हैं, कोई पॉडकास्ट सुनते हैं या कोई बुक पढ़ती हैं या फिर कोई म्यूजिक वगैरह चालू रहते हैं, पर मैं पॉडकास्ट मैं पेंटिंग करते करते सुनती हूँ, बिकॉज़ ऐसे शांति में पेंटिंग करना मेरे को नहीं पसंद, तो पॉडकास्ट वगैरह तो ऐसे चालू ही रहता है, मैं लाइक पेंटिंग करती रहती हूँ और फिर पीछे मैं ऐसे ट्रू क्राइम वगैरह का पॉडकास्ट बहुत सुनती रहती हूँ, वैसे पैरानॉर्मल अगर कोई हॉरर स्टोरीज या फिर सीरियल किलर पॉडकास्ट वगैरह वो सब, तो फिर मेरा भी मन उधर ही रहता है ना, ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है तो फिर ज्यादा देर तक मैं पेंटिंग कर सकती. तो आपके हिसाब से कोई आप बुक रिकमेंडेशन देना चाहेंगे या फिर कुछ सीरीज की रिकमेंडेशन देना चाहेंगे तो क्या रहेगा? सीरीज ऐसे तो बहुत है, मेरा फेवरेट सीरीज इज हाउ आई मेट योर मदर, तो वो मैं बहुत बहुत बार देख चुकी हूँ, तो बेसिकली सब लोग ने देखना ही चाहिए वो. और कोई बुक? बुक एज सच नहीं, लाइक आई लाइक टू रीड थ्रिलर वगैरह थोड़ा, मतलब बहुत लोग ऐसे इंस्पिरेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वो मेरे को नहीं होता है, मोटिवेशनल बुक्स ऐसे मेरे को कुछ तो ऐसे स्टोरी लाइन चाहिए, सस्पेंस टाइप. जेम्स कार्टर, हां बिकॉज़ आई वाज लाइक कि मेरे को ऐसे थोड़ा फैन, इफ आई एम रीडिंग अ बुक मेरे को थोड़ा अलग दुनिया में जाना है, से पढ़ाई के मोड में नहीं जाना, तो जेम्स पैटरसन एक ऑथर है, उनके थ्रिलर के बुक्स में बहुत पढ़ती, ट्रू क्राइम के साथ. जब बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जब वो काम करते हैं तो उनका बोलना रहता है कि मतलब मुझे एक बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए कि कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और कुछ लोग रहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं, तो आपका कौन सा वाला है कि आप कर सकती हो उस ओपन में भी या क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए पूरा? ओपन में अभी तक ट्राई नहीं किया है बट मेरे को अगर कोई देख रहा है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, फिर मैं लाइक और मिस्टेक्स वगैरह भी हो जाते हैं मेरे को, अगर कोई लग रहा है मेरे को कोई देख रहा है तो मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ जाता है मुझे, बट मोस्टली मैं क्लोज एनवायरनमेंट में ही करती हूँ, क्योंकि मैं जो आर्ट वर्क करती हूँ उसको मेरे को बहुत सारा बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लाइक एटलीस्ट 20 आवर्स वगैरह तो लगता है ये एक पेंटिंग, 15 to 20 आवर्स, तो ऐसे मैं एक ही इस पे बाहर जगह करूंगी तो रात हो जाएगी, बट मैंने अभी तक आई थिंक ऐसे छोटे छोटे स्केचेस वगैरह भी किए हैं, बट अगर मेरे को कोई देख नहीं रहा है तो आई कैन डू इट, बट अगर कोई ऐसे देख रहा है पीछे आके मैं क्या कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ा ऐसे नर्वसनेस हो जाता है. क्या तो आपकी कौन सी पेंटिंग जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा अभी तक आपको करने में? यूजुअली कमीशन को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं कमीशन करते टाइम थोड़ा जैसे स्टेजेस जाता रहता है, मैं फोटोज भेजती रहती हूँ क्लाइंट को कि ये देखो इतना हुआ तो आपको कोई चेंजेस चाहिए क्या वगैरह, तो आई थिंक कोई लोग को तो एग्जैक्टली जैसे फोटो है वैसे ही चाहिए तो वो इजीली हो जाता है, बट देन बहुत लोगों को थोड़ा ये होता है कि यू नो मेरे को थोड़ा पतला दिखाओ, मेरे बाल थोड़े लंबे दिखाओ, वो सब, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, बट एज सच इतना लाइक मैं एक पेंटिंग पे ज्यादा टाइम काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को फिर अलग आइडिया आता है, फिर मेरे को लाइक बोर हो जाता है लाइक कि एक वीक से ज्यादा मैं कोई पेंटिंग पे नहीं रहता है. और अदर देन कमीशन वर्क, अदर देन कमीशन वर्क कौन सी? मैं एक वीक में कर देती हूं. अच्छा, बस तो मैं एक वीक का ही टाइम पकड़ती हूं, बट देन फिर वो एक वीक में मैं सुबह से शाम तक वगैरह बैठी रहती हूं. बस अदर देन कमीशन वर्क में कौन से ऐसी पेंटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाया जो आपने खुद से बनाया, खुद मतलब खुद के प्रोसेस से बनाया? मैक्सिमम 2-3 दिन ही जाता है, ऐसे ज्यादा मेरे को नहीं होता, क्योंकि लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट है वो लोग को एक महीना वगैरह ऐसे छोटे ब्रश से वगैरह रियलिस्टिक पेंटिंग करते रहते हैं, हाँ तो मेरे कोई भी पेंटिंग में इतना डिटेलिंग तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे को फिर वो मैं नहीं, मेरे को ऐसे 2-3 दिन ही हो जाए तो आना है कि डन पेंटिंग, तो ज्यादा तो नहीं. सो आप जैसे मुंबई में रहती हैं तो कोई मुंबई का आर्टिस्ट या आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ आप मतलब कनेक्टेड हैं या फिर कुछ ऐसा है रीजनल आर्टिस्ट के साथ? वही तो मैं लाइक सिंस मैंने प्रोफेशनली मतलब मैं डिग्री तो नहीं ली है बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो
तो मैं इतना मुंबई के इतने आर्टिस्ट को नहीं जानती, तो मैं जिन भी आर्टिस्ट को जानती हूँ वो थ्रू इंस्टाग्राम ही। तो बेसिकली मेरे जो आर्टिस्ट फ्रेंड्स है वो इंडिया के भी नहीं है, कोई तो जर्मनी में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इंग्लैंड यूके में है, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है बट मुंबई के नहीं। मेरे ऑर्डर्स का भी वही था कि अभी तो थोड़े पेंटिंग्स हैं, पर जब मैं इनिशियली थ्रू इंस्टाग्राम पे सेल करती थी तभी मेरा इंडिया मतलब मुंबई में तो कोई भी लाइक बायर नहीं था, बट यूएसए वगैरह बायर्स थे। तो दैट इज लाइक अ गुड थिंग ऑफ इंस्टाग्राम, यू नो कहाँ से भी लोग को। आपके यूएस और यूके के बहुत सारे बायर थे, मैंने देखा जब आपका इंस्टाग्राम देखा था, तो यूएस और यूके के बहुत सारे बायर थे, तो वो एक अच्छा के यूके में से आई थिंक एक ही है। अच्छा, तो उसमें एक बात है कि आपका कोई आगे प्रोग्राम है, जब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा तो मतलब कुछ ऑफलाइन चीजें करनी है, ऑफलाइन वर्कशॉप या खुद का कुछ करना है ऑफलाइन में? हाँ ऑफलाइन आई थिंक अभी मेरा एक इवेंट भी था आई थिंक बांद्रा में, एशियन पेंट्स का फेस्टिवल था, तो तभी दे हैड कॉल्ड मी कि थोड़ा ऐसे बात करने को ऑडियंस के साथ या फिर थोड़ा ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करने को, तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया था। तो आई वाज लाइक कि वैसे मेरे को कुछ अगर आगे जाके करना होगा तो बिकॉज बहुत ऑडियंस को कनेक्ट वगैरह भी हो, बिकॉज बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स भी थे वहाँ आए थे वो इवेंट, तो फिर उनसे ही मैं कनेक्ट वगैरह भी अच्छे से हो पाई, क्योंकि इसमें इतना ये नहीं होता है, इंस्टा पे भी मैं जितना ट्राई करती हूँ रिप्लाई करने में इतना कनेक्टिंग नहीं होता, तो वो ऑफलाइन तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है बट थोड़ा सेफ होने दो उसके बाद। मीटअप में एक अलग टाइप का रहता है, सब लोग आते हैं तो अलग एक इंटरेक्शन ऑफलाइन में, क्योंकि इतना भी आदमी कोशिश करे ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल उस लेवल का इंटरेक्शन हो पाए। तो आपने क्या कुछ आर्ट स्टूडियो का सोचा है कि फ्यूचर में जल्दी कुछ आर्ट स्टूडियो बनाएंगे अपना और अपना स्पेस बनाएंगे या फिर पूरा स्टूडियो? तो वैसे चाहिए ही, बिकॉज मेरे को अभी बहुत ये हो रहा है कि रूम में भी लाइक पेंटिंग्स रखने को जगह नहीं है, करते टाइम पे भी फिर घर के लोग आते हैं, फिर मैं स्प्रे पेंट वगैरह करती हूँ तो उसका लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यू नो स्मेल आता है उसका वगैरह। तो स्टूडियो तो आई फील आगे जाके एज मैं भी ग्रो हो जाऊंगी वैसे मेरे को थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, तो वो तो है ही, लेट्स सी, अभी तक ऐसे कुछ डेफिनेट प्लान नहीं। तो आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कब रहता है, क्योंकि जब काम करते करते बहुत मोनोटोनस हो जाता है कि जैसे 2-3 हफ्ते लगातार कुछ कमीशन वर्क आया या फिर खुद कभी बना रहे हैं, तो क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या करते हो थोड़ा मतलब फ्रेशन अप होने के लिए? मोटिवेशन ऐसा है कि मैंने आपको बोला कि मैं करते टाइम पे पॉडकास्ट वगैरह सुनते रहते और वो थोड़ा सा सस्पेंस वगैरह रहता है, तो ऐसे नहीं होता कि मेरे को बोर हो रहा है फिर भी मैं जबरदस्ती कर रही हूँ क्योंकि फिर वो पेंटिंग उतना अच्छा बनेगा ही। बट सच मेरे को लाइक दो है, एक तो मैं खुद का करती हूँ और एक कमीशन करती हूँ, तो आई एम लाइक मोर एक्साइटेड टू पेंट खुद का वाला पेंटिंग ओरिजिनल, तो मेरे को यही रहता है कि ये कमीशन ऑर्डर होने के बाद मैं खुद का पेंटिंग करूँगी, तो वो एक ऐसे दिमाग में रहता है कि ये वाला मेरे को नेक्स्ट वाला पेंटिंग करना। तो हमारे पॉडकास्ट में और भी जो आर्टिस्ट लगाए हैं ना, उन्होंने भी ये बोला है कि कमीशन वर्क होने के बाद एक जो सेंस ऑफ फ्रीडम होता है वो आर्टिस्ट को हमेशा आता है कि खुद का वर्क करने पे, चाहे वो आर्टिस्ट आर्ट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा हो या कमीशन वर्क पे काम कर रहा हो, जब भी एक क्लाइंट फेसिंग चीजें रहती हैं तो कुछ कंस्ट्रेन रहते हैं जो कि आपको आप बिल्कुल फ्री माइंडेड उसमें नहीं कर सकते हो, तो अपने काम के लिए वो फ्रीडम जो रहती है वो हर एक को ज्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग। मतलब दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव्स है, बिकॉज़ मेरे को कमीशन ऑफर कभी कभी ऐसे मिले हैं जो मैं कभी खुद ट्राई नहीं कर सकती, बट बिकॉज ऑफ उन लोग का ये डिमांड था इसलिए मैंने वो ट्राई किया और मेरे को कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरे क्योंकि सब उन लोग का भी क्लाइंट का भी कुछ इमेजिनेशन रहता है जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती, मेरा इमेजिनेशन करने का टाइप ही अलग, तो बिकॉज उन लोग का वैसे डिमांड था इसलिए मेरा भी मेरे को भी वो सीखने को मिला वैसे, तो ऑल्दो मेरे को खुद को फ्रीडम मिलना एंजॉयबल है बट दोनों में सीखने को मिलता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके क्लाइंट बहुत ज्यादा बाहर के भी बहुत सारे हैं, तो आपको डिफरेंस क्या फील होता है कि बाहर के आर्ट एक्सेप्टेंस या आर्ट सोसाइटी और इंडिया की आर्ट सोसाइटी, क्या मतलब क्या डिफरेंस उसमें? अभी तक मेरे को जो बाहर जो भी सेल हुआ है वो ओरिजिनल से सेल हुआ है और कमीशन सब है वो इंडिया के ही है,
तो वो एक मेरे को डिफरेंस एक किया कि मेरा ओरिजिनल पेंटिंग का डिमांड, ऑल्दो बहुत लोग अप्रिशिएट करते ही है कि पेंटिंग्स वगैरह अच्छे है वगैरह, तो अप्रिशिएशन तो है ही दोनों तरफ से, बट जब ओरिजिनल आर्टवर्क बाय करने की होती है तो वो यूएस वाले वगैरह ज्यादा परचेस करते हैं। वो एक मैंने बहुत देखा कि मे बी माई स्टाइल आर्टवर्क का स्टाइल का डिमांड यूएस में ज्यादा है। और कमीशन वर्क इंडिया में ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। मेरा स्टाइल में मैं बहुत सारा कलर्स और कॉन्ट्रास्ट और ये सब बहुत होता है, पर आई फील इंडिया में दे लाइक थोड़ा मोनोटोनस और क्लीन वर्क। अभी बहुत कमीशन में थोड़ा कलर भी थोड़ा सटल रखो, ज्यादा स्प्लैश वगैरह ये मत करो, तो मैं दोनों का करने का प्रोसेस लाइक बहुत अलग। अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है ना, अभी थोड़े बहुत अवेयरनेस हुई है इंडिया में आर्ट को लेके, वो भी ट्रेडिशनल आर्ट को लेके, क्लासिक क्लासिकल जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसको ले, उसकी अवेयरनेस अभी हुई है, तो अभी जो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है तो उसको तो होने में अवेयरनेस और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो पोर्ट्रेट और सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट चलते हैं और फिर कमीशन वर्क में पोर्ट्रेट ही चलते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट का भी डिमांड है, बट मैंने अभी तक कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। रेजिन आर्ट वर्क का बहुत अभी चालू है, वो फ्लोइंग फ्लो आर्ट और रेजिन आर्ट का। हाँ, तो आपको एग्जीबिशन का क्या उसका लगता है कि एग्जीबिशन कितना बेनिफिशियल है एक आर्टिस्ट के लिए? अभी तो जैसे लॉकडाउन में तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन जनरल एग्जीबिशन कितना बेनिफिशियल और किस स्टेज पे आके एक आर्टिस्ट को करना चाहिए? एग्जीबिशन आई फील पहले सिर्फ एग्जीबिशन पे पेंटिंग सेल होते थे। ओके, सो लाइक तभी आर्टिस्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि सिवाय एग्जीबिशन के। बट अगर आप देखा जाए कि अगर मैंने भी अभी एग्जीबिशन रखा, ऑब्वियसली मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई में मैंने एग्जीबिशन रखा, तो भी बेस्ट केस सिनेरियो 100 लोग आएंगे। दिस इज लाइक बेस्ट केस सिनेरियो, 100 लोग देखेंगे, उन लोगों को पसंद आया नहीं आया, यू नेवर नो। ऑन दी अदर हैंड मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तो थाउजेंड्स ऑफ लोग देखते हैं एक पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली एक्सपोजर इधर ही ज्यादा है। ऑल्सो कि मैंने जो बोला पहले कि मेरा ओरिजिनल आर्टवर्क जो है वही ज्यादा सेल हो रहा है और वो भी यूएस में हो रहा है, तो अगर मैंने मुंबई में भी एग्जीबिशन रखा तो भी अगर किसी को पता ही मतलब किसी को पसंद ही नहीं आया, तो ऑल्सो एग्जीबिशन का आपको ये भी इन्वेस्टमेंट भी बहुत रहता है, यू नो इवन लाइक आर्ट फेयर वगैरह भी रहते हैं। मेरे को भी अप्रोच किया था बहुत लोगों ने कि आर्ट फेयर में करो, तो उनका भी यू हैव टू पे देम लाइक 1 लाख वगैरह सब, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होते, तो एज अ बिगिनर तो आप सोच भी नहीं सकते अनलेस यू हैव समवन या फिर अनलेस यू हैव कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको अपना ऑडियंस को फोकस करना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे वगैरह यंग जनरेशन बहुत है, अगर आपका ऑडियंस की आपका टारगेट ऑडियंस इज लाइक ओल्ड पीपल हु हैव लाइक लॉट ऑफ मनी वगैरह, वो लोग एग्जीबिशन से प्रेफर करते हैं, तो आपको वो कॉन्टैक्ट आना चाहिए कि यू नो एग्जीबिशन का इन्वाइट किन लोग को देने का आप हो सकते। तो मैंने तो अभी तक कोई भी एग्जीबिशन नहीं किया, बट मैंने सेल तो बहुत किया है, बट सिंस लाइक मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरा भी एक ऐसे ड्रीम है कि अभी जाके एक पॉइंट पे मेरे को जहांगीर आर्ट ने तो एग्जीबिशन करना है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी इज लाइक यहाँ का बहुत फेमस आर्ट गैलरी, तो इट वॉन्ट बी नेसेसरी पेंटिंग सेल करने को एग्जीबिशन करना है, बट ऐसे एज एन आर्टिस्ट वो बकेट लिस्ट में है कि ये प्लेस पे तो एग्जीबिशन होना ही। हाँ, हमारे पिछले जो गेस्ट थे शशांक, वो भी बता रहे थे कि जहांगीर आर्ट गैलरी में मतलब आपकी पेंटिंग लगना एक बहुत प्रोफाउंड चीज है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि आप वहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगा पा रहे हो पेंटिंग, और वहाँ से इनवाइट आना बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के लिए। उनका पेंटिंग लिस्ट 7-8 इयर्स का है एग्जीबिशन करने, हिस्टोरिक है ना, आई थिंक ब्रिटिश टाइम से वो लोग वो, हाँ बहुत बहुत ज्यादा पहले टाइम से ही वो लोग का वो हो रहा है, जितना टाइम बढ़ते गए उनकी वो भी बढ़ते गई है वैल्यू, तो वो एक है लाइक मार्केट लिस्ट में कि ऑल्दो मेरे को एग्जीबिशन पेंटिंग सेल करने के लिए नहीं इतना ये नहीं है, डिपेंड नहीं है मेरे को, मेरे को एग्जीबिशन के बिना कोई पेंटिंग खरीदेगा, बट ऐसे मार्केट लिस्ट में है कि ये एक प्लेस पे एग्जीबिशन करना है। हाँ, मतलब अच्छा लगेगा, रिस्पेक्ट लगेगी, उस लेवल तक आ गए कि वहां तक लगवा रहा है। तो जैसे आप आर्ट फील्ड में कर रहे हो और अपने सोशल मीडिया पे पुट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आती रही होगी आर्ट के बारे में,
तो ऐसा आपको क्या लगता है कि इस आर्ट फील्ड में भी क्या गैप है जो नॉर्मल किसी भी क्रिएटिव फील्ड या नॉर्मल फील्ड में भी रहता है और वो फिल हो जाता है, तो अभी इसमें क्या गैप लगता है कि अभी क्या दिक्कत आती है आर्टिस्ट लोगों को जो स्टार्ट करते हैं? मतलब जैसे एक जब आर्टिस्ट होता है तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए रहती हैं, एक किसी किसी को मैनेजमेंट चाहिए होती है, किसी को टीचिंग असिस्टेंस चाहिए होती है, किसी को अलग अलग तरह की असिस्टेंस चाहिए होती है, और किसी को होता है कि मार्केट नहीं है अभी, सही टाइम नहीं है। तो अभी इस आर्टिस्ट वाली फील्ड में क्या गैप लगता है कि क्या कम्युनिटी नहीं है अच्छी, कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी नहीं है उतनी बड़ी, तो क्या गैप क्या लगता है आपको अभी, क्या गैप है आर्ट फील्ड में? आई थिंक कम्युनिटी तो बेसिकली सब लोग जीरो से चालू करते हैं, और लोग इतने लोग लाइक इंस्टाग्राम पे हैं तो कम्युनिटी बनाना इट्स नॉट एन इश्यू. थोड़ा जेन्युइन वगैरह रहेंगे आप तो लोग अप्रिशिएट तो करते ही है, बट आई फील लाइक डिसिप्लिन और वांटिंग टू लर्न मोर, ये आई थिंक पर्सनल लेवल पे सबको होना चाहिए नहीं, जैसे मैंने कि आप कम्युनिटी बोला तो कम्युनिटी में वो ऑडियंस वाली कम्युनिटी नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिस्ट लोगों की आपस में जो कम्युनिटी रहती है एक दूसरे की। आर्टिस्ट में भी लाइक यू शुड बी जेन्युइन कि आप अप्रोच वगैरह भी हो सके, या फिर अगर कोई आपको अप्रोच लेना है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को फॉलो करो तो मैं टिप दूंगा, ऐसा जेन्युइन रहो कि आप लोगों को क्योंकि समझ में आता है अगर आप जेन्युइन है तो वो कॉन्स्टेंटली अगर आपके बातें वगैरह भी चल रहे होंगे तो. बिकॉज मेरे भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मैं तो कभी मिली नहीं, जो बाहर के कंट्री से वगैरह फ्रेंड्स उनसे तो मैं इंस्टा पे ही बात करती रहती हूँ, आर्ट का इस पे ही बात होता रहता. तो वैसे तो बेसिकली लाइक पीपल आर लाइक रेडी टू हेल्प, बट आपको अगर आप 10 लोगों को मैसेज करोगे तो मे बी एक जन रिप्लाई करेगा, तो वो ऐसे डिसअपॉइंट नहीं रहने का कि यू नो कि लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, लोगों को देखिए होता है बहुत एटीट्यूड है ये वो, नॉट वर्थ इट. जैसे आप जैसे, और आर्टिस्ट एजेंसी जो रहती है जो कुछ ऑर्गेनाइज कराती है वर्कशॉप और ये सब, उन सब में क्या आपको गैप फील होता है कि क्या और इम्प्रूव होना चाहिए या फिर क्या कुछ मिसिंग है उनमें, जो एजेंसीज रहती हैं जैसे वर्कशॉप या एग्जीबिशन करवाती हैं उस तरह की एजेंसीज? आई फील इफ आप बिगिनर आर्टिस्ट वगैरह है तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है एजेंसीज की, यू नो आपको थोड़ा ऑडियंस वगैरह भी मिल जाएगा कि लोगों को आपका पहचान, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट वगैरह तो रहते हैं. बट आई फील कि इफ यू आर एन आर्टिस्ट कि आप खुद से भी मैनेज कर सको तो इट इज लाइक बेनिफिशियल मेरे को खुद को, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी वर्कशॉप वगैरह देंगे वो लोग उतना परसेंटेज वगैरह कट करेंगे या फिर आपको थोड़ा सर्टन अमाउंट पे करेंगे, तो वो आई थिंक अगर आपको वर्कशॉप के और टीचिंग के थ्रू जाना है तो एज स्टार्टिंग अगर आपको ऑडियंस बिल्ड करना है तो वो आप आई फील यू शुड लाइक गो विद इट अगर आपको टीचिंग के इसमें जाना है, क्योंकि मेरे को भी बहुत लोगों ने आई थिंक गैलरीज ने वगैरह अप्रोच किया कि हम आपके पेंटिंग्स एग्जिबिट करते हैं, बट देन दे आर लाइक यू हैव टू पे इतना इतना अमाउंट टू एग्जिबिट, तो आई एम लाइक कि मेरा ऑलरेडी ये हो ही रहा है ऑनलाइन तो मैं क्यों लाइक ऐसा क्या आप प्रोवाइड करके दे रहे हो कि यू नो आई शुड लाइक डील विद. तो बेसिकली इट्स लाइक कंट्रोल पे आता है, लाइक अगर आप एकदम बिगिनर आर्टिस्ट है तो गैलरी के पास कंट्रोल है क्योंकि उनके पास इतना ऑडियंस है, उनके क्लाइंट्स वगैरह है जो रेगुलरली आते रहते हैं, और इफ यू आर अगर आपका थोड़ा है ऑडियंस ऑलरेडी तो यू कैन टेल देम कि देख भाई कि मेरे को इतना इतने लोग ऑलरेडी मेरे को अप्रोच कर ही रहे हैं, आप क्या ऐसे ऑफर कर सकते, तो यू गेट दी ऑप्शन बिटवीन लाइक मेनी गैलरीज की मेरा इतना इतना ऑडियंस है मेरे को इतना इतना मेरा सेलिंग भी है, क्योंकि इफ यू हैव इतना अमाउंट की इतना इतना पेंटिंग्स आपने ऑलरेडी सेल किया है तो यू कैन लाइक नेगोशिएट विद द गैलरी कि इफ यू बाय इफ यू लाइक शोकेस माय वर्क कि आपको इतना लाइक इतना रेट में मेरा सेल भी हो रहा है तो आपको आपको भी उतना बेनिफिट. जैसे आपने ये बताया कि अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो तो आप एजेंसी के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक लेवल पे मैनेज कर सकते हो तो सही है, क्योंकि वो हैवी परसेंटेज चार्ज करती हैं, मतलब बहुत कम फिर आर्टिस्ट को मिल पाता है। तो जैसे जो बिगनर आर्टिस्ट हैं तो वो एग्जिबिशन, उनको अब तो उनका फीड ही एक तरीके से वो हो गया है, मतलब इंस्टाग्राम का फीड ही उनका एक तरह से एग्जिबिशन टाइप का है, हाँ तो उसमें कि आप आखिरी कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि उनको क्या मतलब क्या क्या करना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू और स्प्रेड होने के लिए? आई थिंक कि जेन्युइन रहो बेसिकली और कंटेंट डालते रहो रेगुलर, और अगर एक पोस्ट अच्छा नहीं जाए तो डिसअपॉइंट नहीं होने का, बिकॉज
मेरे को भी ये बहुत एक्सपीरियंस मिला कि अगर मैं एक पेंटिंग डालूंगी तो उसको मे भी उतना लाइक्स नहीं मिल पाए, बट फिर रिस्पॉन्ड नहीं होने का या फिर कीप अपलोडिंग, क्योंकि एक पोस्ट अच्छा करता है दूसरा पोस्ट बुरा करता है, तो वैसे ज्यादा ओवरथिंक नहीं करने का, बिकॉज लोग जज करेंगे वो लोग का काम है, अपना काम इज कंटेंट डालना आपके, बाकी कंट्रोल में ओवरथिंक करके आपके कंट्रोल में बाकी कुछ नहीं है सिवाय आप कितना कंटेंट डाल रहे, तो वही डालो बाकी। आई फील इफ यू पुट रेगुलरली वीडियो कंटेंट और ये तो आपको ऑडियंस तो आई जाए, बट डोंट मेन थिंग इज आप ऐसे फॉलोअर्स के पीछे मत पड़ो कि यू नो मेरा फॉलोअर्स आपका कितना भी हो, बट अगर आपका बायर्स ही नहीं है तो पॉइंट नहीं, कि आपका हमेशा गोल शुड बी कि मेरे को 100 बायर्स चाहिए, 100 कलेक्टर्स चाहिए, फिर आपका अगर 10,000 फॉलोअर्स हो और अगर आपका 100 कलेक्टर्स हो वो 10,000 फॉलोअर्स में से, तो आप लाइक यू आर गुड टू गो, तो कितना भी फॉलोअर्स हो फॉलोअर्स इतना मैटर नहीं करता है जितना आपका कलेक्टर्स और कितना आर्ट लोग परचेस कर रहे हैं, वो मेन पॉइंट है कि कितने लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं और कितने लोग फनल डाउन हो रहे हैं सही में। बिकॉज़ सोशल मीडिया जस्ट बिकॉज़ कोई आर्टिस्ट के पास इतना फॉलोअर्स है डजंट मीन दे आर सेलिंग अपना वर्क कितना, और आई थिंक प्राइसिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो लाइक मैं अभी मेरे पेंटिंग्स कोई कोई पेंटिंग्स है वो 50,000 में भी सेल हो चुके, तो इट इज अगर कोई बिगिनर आर्टिस्ट है उसने पहला पेंटिंग किया देन ही इज लाइक 50,000 तो नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को याद है मैं जब भी कॉलेज में थी तभी मेरे को एक सीनियर ने अप्रोच किया था कि यू नो मेरा एक स्केच निकालेंगे क्या, क्योंकि फ्रेंड को कुछ तो गिफ्ट देना है तो तुम दोनों का स्केच, और तभी आई थिंक दैट वाज लाइक द फर्स्ट और सेकंड पर्सन हु अप्रोच्ड मी, लाइक तभी कितना प्राइस करूं लाइक आई थिंक आई वाज इन सेकंड ईयर, तो आई चार्ज 300 रुपीज, तो कम से जितना कम आप चार्ज कर सको उतना चार्ज करो पहले, एंड देन धीरे धीरे आप जैसे ग्रो हो रहे हो आपका स्किल्स भी जितना ग्रो हो रहे हैं वैसे, आई थिंक टू थ्री इयर्स का चार्ज लाइक 300 रुपीज पर लाइक वन स्केच, और अभी हम चार्जिंग ने 50,000, तो वो हो ही जाता है मैनेज, वो आपको थोड़ा गेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि कोई थंब रूल नहीं है इसके लिए कि क्या है, लेकिन बहुत हाई गेज कर लोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, जैसे आपका ऑडियंस और जैसे आपका पेंटिंग सेल हो रहा है, क्योंकि अभी अगर मैं बोलूंगी कि मैं कमीशन ऑर्डर के लिए मैं अगर 5,000 चार्ज करूँ तो मेरे को 10 ऑर्डर आ जाएंगे, बट मैं उतना गिफ्ट भी नहीं कर सकती ना, डिमांड और सप्लाई का ये हो, अगर आपका डिमांड ही उतना है तो यू कैन चार्ज मोर, बट अगर आपका डिमांड ही नहीं है और बोल रहे हो कि मेरे को इतना इतना मैसेज चाहिए तो लोग डिस्करेज करेंगे। तो बहुत सारे आर्टिस्ट को नए आर्टिस्ट को ये दिक्कत रहता है कि कितना वैल्यू पे चार्ज करें, और ये तो आपका क्या आपका फाइनेंस वाले साइड से आपको लगता है कि आपको हेल्प मिला या नहीं? फाइनेंस वाला इससे नहीं, बिकॉज़ वो अलग ही था, पूरा अकाउंट्स वगैरह वो तो अलग ही था, बट आई थिंक थोड़ा इससे बिजनेस का अप्रोच हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लाइक आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आप ऐसे ये नहीं कर सकते कि मेरे को जब मूड होगा तो, थोड़ा ऐसे बिजनेस का भी सोचना पड़ेगा बिजनेस साइड, तो स्टार्टिंग में कि आपका स्किल्स आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि मेरा स्किल्स इतना इतना है, मे बी बाजू बाकी आर्टिस्ट से जो आपके स्किल लेवल पे है उनको अप्रोच करो कि आप कितना चार्ज कर रहे हो वगैरह, और फिर आप अपना लाइक प्राइस का ये अमाउंट डिसाइड करो, या फिर आप रेंज दे सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी वही करती हूँ, क्योंकि अगर आपका बजट इतना है तो मैं ये साइज का पेंटिंग करूँ, अगर आपका बजट ज्यादा है तो मैं बड़ा साइज का पेंटिंग करूँ, तो आप ऐसे एक फॉर्मेट टेबल बना सकते हो कि यू नो इफ समवन इज लाइक नहीं नहीं मेरा तो बजट कम है तो यू कैन बी लाइक ठीक है मैं आपका कम बजट में ये आपको डिलीवरेबल दे सकती हूँ बस, और देन धीरे धीरे जैसे आपका डिमांड है वैसे धीरे 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 प्राइस इंक्रीज, मतलब बाकी जो आपके 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 ऊपर के लेवल के आर्टिस्ट हैं उनको एक स्टैंडर्ड मान के उसी हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा करके स्टार्टिंग में उस तरीके से आदमी एक आइडिया ले सकता है कितना कर क्या रखा जाए। नहीं, बेसिकली आप ऐसे मेनू कार्ड जैसे प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को कि आपका बजट इतना है तो इतने इसमें मैं ये साइज का कर सकता हूँ, मतलब उनको भी ऑप्शन देता है, यू कांट बी लाइक कि मैं करूंगी नहीं, तो ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा इनकम मिल जाता है, उनको भी साइज के हिसाब से ऑप्शन मिल जाता है, तो इट इज लाइक रीजनेबल अप्रोच कि यू नो वो लोग को भी समझ सकता है। पर जबकि आप जब फुल टाइम एक आर्ट फील्ड में जा रहे हो तो आपको थोड़ा बिजनेस माइंड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे सर्वाइव करोगे फिर, बिल्कुल प्योर आर्ट तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा बिजनेस माइंड रखना ही पड़ेगा बैक ऑफ द माइंड में। हां, बिकॉज़ ऑल्दो लाइक आई मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, बट लाइक ठीक है खर्चा भी होता है उतना ही,
मैं पूरा दिन भर भी पेंटिंग कर सकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लाइक यू नो बिल्स पे करना रहता है, खुद का कर्जा ये रहता है, सिक्योरिटी रहती है पैसे की सब, तो ऐसे भी नहीं कि फ्री में भी दे सकते, वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन फील्ड है, सैलरीड जॉब नहीं है। आज आप 50,000 की पेंटिंग बेच रहे हो, कल कल का क्या पता, तो आपको अब हाँ तो आपको अभी से ही सेव करना पड़ेगा या फिर उसके हिसाब से ही वो करना पड़ेगा सब माइंड में। और एटलीस्ट लाइक बिगिनिंग स्टेज पे आप लाइक थोड़ा इन्वेस्ट भी, लाइक आपको अगर पैसे भी मिल रहे हैं, मे बी सपोज यू वांट 1000 रुपीस, तो वैसे आई फील लाइक आपके मटेरियल्स में वगैरह स्पेंड करो ज्यादा, क्योंकि मैंने वही किया था लाइक स्टार्ट में, मेरे को चारकोल वाले ऑर्डर्स आते थे पहले, तो मैंने वो पैसों से स्टार्टेड बाइंग लाइक ब्रशेस, वो पैसों से स्टार्टेड बाइंग, तो खुद के ही एटलीस्ट बिगिनिंग स्टेज पे यू कांट कीप मनी इन द पॉकेट, हाँ मैं बैंक में डाल दूंगा, फिर तो आपको मटेरियल्स में वगैरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, तो वो मैं ये बोलूँ गुड क्वालिटी मटेरियल्स में इन्वेस्ट। सो थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और एक कुछ तीन या दो तीन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप नए आर्टिस्ट को देना चाहोगे कि क्या क्या करके वो कैसे अपना क्रिएटिव प्रोसेस या स्किल डेवलप करें कि बेसिक लेवल तक वो एक ऊपर आ सके। आई थिंक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसे डरो मत, खराब मतलब बैड पेंटिंग्स मेरी भी बनती है, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरते हैं क्योंकि मेरा पेंटिंग खराब हो जाएगा, तो इट्स फाइन, बहुत सारी पेंटिंग खराब होंगी बिकॉज फिर आप सीखोगे नहीं अनलेस कोई पेंटिंग खराब हो जाए, तो उसके लिए डरो मत, आई थिंक एक्सपेरिमेंट करो और फिर कंटेंट अपलोड करते रहो इंस्टा पे बेसिकली, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, डिस्करेज मत होना क्योंकि स्टार्ट में तो यू विल फेल लाइक 10 टाइम्स और फिर 11th टाइम आप सक्सेसफुल, बट यू डोंट नो दैट नंबर कि कौन से टाइम पे आप सक्सेसफुल, तो यू हैव टू लाइक कंसिस्टेंटली कीप पुशिंग। सो थैंक यू माराने के लिए, आज बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला, मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस ने भी कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा, और कुछ डाउट है तो वो लोग कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और वैष्णवी के मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नीचे बताइए कैसा लगा आपको सुन के ये पॉडकास्ट। अगर ये पॉडकास्ट आप अभी तक सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई होप आपको ज़रूर पसंद आया हो क्योंकि आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो डू शेयर इट ऑन योर इंस्टाग्राम एंड टैग अस, वी विल श्योरली लव टू हेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू, लेट्स मीट इन अनदर पॉडकास्ट।